करने हेतु योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस शिविर का आयोजन सुनील कुमार रिटायर्ड डीएसपी विजिलेंस एवं राजीव भार्गव के द्वारा किया गया। बता दें कि इस शिविर में कक्षा 1 से लेकर 9वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं स्कूल के शिक्षिका रेवा भार्गव एवं रश्मि मेहता ने योग के विभिन्न आसनों का प्रदर्शन करने हेतु अभ्यास करवाया। साथ ही स्कूल के प्राचार्य राजीव भार्गव ने नियमित योग को करने के महत्व को बच्चों को समझाया। योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे विश्व में एक मशाल के तौर पे भारत हम भारतीय पूरे विश्व को योग का की योग शिक्षा का प्रसार प्रचार कर रहे हैं। योग हमें हमारे इनहेरिटेड कल्चर में वैदिक दिवस से ही हमारे संस्कारों में मेरे हमारे नस नस में योग बसा है। योग तो हमारी जीवन शैली ही होती है। जब हम सुबह उठते हैं अंगड़ाई लेते हैं वो भी एक योग है। हमारे वैदिक काल से जितने भी हमारे ऋषि मुनि योग पे ही के आधार पे ही इतने दिनों तक बिना अन्न जन जल के तपस्या कर लेते थे। हमारे छोटे बच्चे जिनको उनको हम सभी निकाय सभी कलाओं का हम उनको एक्सपोज़र देते हैं। योग भी एक ऐसी कला है जो उस बच्चों को अपने जीवन शैली में बच्चे ही क्या उनके अभिभावकों को भी अपनी जीवन शैली में अनिवार्य रूप से प्रयुक्त करना चाहिए। उससे हमारा हमारी काया हमारा शरीर निरोग रहता है और हमारे सोचने की शक्ति भी बदल जाती है। हमारे स्कूल में योग प्राणायाम यौगिक योग हमेशा लगातार किया जाता है। इसके लिए हमारे स्कूल में एक शिक्षिका की नियुक्ति है और बच्चों को मेरे जो यंग बच्चे लड़के लड़कियां सभी को रेगुलर रूप से योग की क्लासेस कक्षाएं शिक्षा दी जाती है। और मेरे समझ से ये सिर्फ मेरे स्कूल में नहीं विश्व के जितने भी नौजवान या मनुष्य कोई भी हो उसको योग अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।